नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के बाद अब देवभूमि में एक और बड़ा आंदोलन शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। इस बार उत्तराखंड में ये आंदोलन मजबूत भू कानून और मूल निवास कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर हो रहा है। इन दोनों कानूनों को लेकर राज्य के लोग तेजी से लामबंद हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई शुरू हो रही है। लंबे समय बाद किसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं। रविवार को देहरादून में लोग भू कानून और मूल निवास कानून लागू करने की मांग को लेकर रैली में जुटे। रैली में जुटी भीड़ इस ओर इशारा कर रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान ये दोनों कानून बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाले हैं। खास बात यह है कि देहरादून में रविवार को हुई रैली को बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों का समर्थन मिला। रैली का आयोजन मूल निवास भू कानून समन्वय समिति की ओर से किया गया था। भू कानून की बात आती है तो राज्य गठन से पहले, राज्य गठन के बाद भी हर नागरिक सशक्त भू कानून के पक्ष में रहा है और हर व्यक्ति की एक डिमांड है कि कृषि भूमि पे गैर उत्तराखंडियों की खरीद फरोख पे पाबंदी हो। लेकिन न जाने 23 साल में सारी सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि जो उसको एक सशक्त भू कानून नहीं लागू कर पाए। लेकिन आज का जो सुताई सिंह जो आंदोलन या जो जनसमूह हमें देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से सरकारें इस पर विचार करेंगी और हमें मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून जरूर देंगी, मेरा ऐसा मानना है। भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन कर रहे लोग उत्तराखंड में ठोस भूमि कानून लागू करने, शहरी क्षेत्र में 250 मीटर जमीन खरीदने की सीमा लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की बिक्री पर रोक लगाने, किसान की जमीन गैर किसान द्वारा खरीदे जाने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार से पहाड़ी इलाकों में गैर पहाड़ी मूल के लोगों के लिए जमीन की खरीद पर रोक लगाने। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों को दान या लीज पर दी गई जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक करने और पहाड़ी इलाकों में लगने वाले उद्योगों, परियोजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण में उत्तराखंड के मूल निवासियों को हिस्सा देने की भी मांग की जा रही है। यही नहीं, संघर्ष समिति 26 जनवरी 1950 से उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों या लोगों को ही मूल निवासी मांगने की मांग कर रहा है। हम लोग जो भू कानून और जो मूल निवास है, ये जो बड़ा आंदोलन है, हमें लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड की जनता है, पीड़ित जनता है, हिमालय की चोटियों में, हिमालय की गहराइयों में रहने वाली जो हमारी जनता है, उसकी जो बुनियादी अभिव्यक्ति है कि उनके लिए अच्छा रोजगार हो, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, और सबसे बड़ी बात उनके लिए अच्छा जो उनका जो सांस्कृतिक जो ढांचा है, जो उनकी जीवन से बना हुआ है, जो खेतों में और जंगलों में जाकर होता है, इन सारी चीज़ों की प्रस्थापना, जल जंगल जमीन की रक्षा, ये मुझे लगता है कि ये आंदोलन हमें देगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालयी राज्य है जहाँ राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय इलाकों में कृषि और गैर कृषि कार्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं। लोगों का मानना है कि कड़ा कानून नहीं होने की वजह से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर कब्जा जमाने लगे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड के मूल निवासी भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर उत्तराखंड की संस्कृति, पहचान और परंपरा पर पड़ रहा है। आज हम जो है अपनी पहचान और जो हमारी मूल निवास जो यहाँ की पहचान होनी चाहिए थी, मेन जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, उसको बचाने के लिए जो है आज पूरा जनमानस उत्तराखंड का जाग चुका है। और ये आप निश्चित मानिए, ये जो भी अब यहाँ पर मूल निवास और सख्त भू कानून की बात करेगा, वही भविष्य में यहाँ पर राज करेगा, वो आज यहाँ उत्तराखंड की जनमानस ने जो है दिखा दिया है। संघर्ष समिति के मुताबिक आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में संघर्ष समितियां गठित की जाएंगी। समिति ने सरकार को इस मसले पर 15 दिनों में अध्यादेश लाने का समय दिया है। समिति का कहना है कि अगर सरकार 15 दिनों में अध्यादेश नहीं लाती तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। हालांकि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों की इन मांगों को लेकर पहले ही हाई लेवल कमेटी बना रखी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बन पाया है। जिस तरह से सामाजिक संगठनों और सभी पार्टियों ने एकजुट होकर इस कानून को लागू करने की मुहिम छेड़ी है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गर्म होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।